20 अक्टूबर 1962 वह तिथि जिस दिन एक युद्ध का शुरुआत होती है, एक युद्ध का आगाज होता है, और भारत उस युद्ध के लिए तैयार नहीं था। क्यों नहीं था तैयार? क्योंकि भारत उस समय हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते हुए नहीं थक रहा। क्यों नहीं था भारत उस युद्ध के लिए तैयार? दूसरा जो कारण है, क्योंकि उससे 10 साल पहले जब कोरिया के साथ युद्ध होता है तो अमेरिका को साथ ना देके और भारत चीन का साथ देता है, और इसके अलावा चीन और ताइवान के बीच जब असली चीन की जंग छिड़ती है कि असली चीन कौन है, तो उस समय भारत चीन के साथ खड़ा होता है, ताइवान के साथ ना जाके, और भारत ऐसा करने वाला पहला गैर साम्यवादी देश बनता है। इसके पीछे जो कारण रहे, इसके पीछे जो रीजंस रहे, वो मुख्य कारण ये थे कि भारत की कभी भी ये नीति नहीं रही कि वह पड़ोसी देशों की जमीनें हड़पना चाहता है, वह पड़ोसी देशों पर आक्रमण करना चाहता है, और भारत शुरू से एक शांतिप्रिय देश रहा और भारत चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता था। परंतु चीन ने धोखा दिया, आप ये कह सकते हैं। चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया, आप ये कह सकते हैं। और भारत जब किसी की जमीनें नहीं हड़पना चाहता था तो भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, परंतु भारत पर बहुत बार आक्रमण हुए, चाहे वो चीन के द्वारा हो, चाहे वो पाकिस्तान के द्वारा हो। लेकिन जब भारत पर ये चीन और पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण होते हैं तो भारत ने हर बार इनका कड़ा जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया, और भारत ने हर युद्ध में विजय प्राप्त की। लेकिन एक युद्ध ऐसा रहा जो मैंने आपको बताया, 20 अक्टूबर 1962, जिस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो इसके क्या कारण है, क्या रीजन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो हमारा ये जो शो है, हमारा ये जो कार्यक्रम है, जो कि इतिहास के अनसुलझे किस्से, इसमें मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम इंद्रेंद्र कुमार। लेकिन जब हम भारत चीन युद्ध की बात करते हैं तो इससे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भारत चीन युद्ध की जो शुरुआत हुई उसका मुख्य जो कारण रहा, वो मुख्य कारण रहा भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद। अब अगर आप भारत और चीन के बीच के इस सीमा विवाद को समझना चाहते हैं तो आप एटलस निकाल लीजिए, और एटलस निकाल के आप, जब मैं बताता जाता हूं आपको, उसके साथ साथ आप देखते रहिए कि कहां पर कौन सा क्षेत्र है और किस प्रकार से ये भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बना रहा। अगर हम भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की बात करते हैं तो भारत और चीन लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। ये जो 4000 किलोमीटर की सीमा साझा होती है भारत और चीन के बीच, यह 3 हिस्सों में बटी हुई है। जिन 3 हिस्सों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है पश्चिमी सेक्टर। उस पश्चिमी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लद्दाख का जो क्षेत्र है, उस लद्दाख के क्षेत्र में भारत और चीन की सीमा साझा होती है। इस क्षेत्र को कहा जाता है अक्साई चिन। ये जो अक्साई चिन का क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 2100 किलोमीटर की भारत और चीन के बीच सीमा साझा होती है। दूसरा जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है मिडल सेक्टर। मिडल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जहां पर लगभग 625 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। और तीसरा जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है पूर्वी क्षेत्र, जहां पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, और यह जो सीमा है लगभग 1200 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। यहां पर भारत का जो मुख्य विवाद है, वो भारत का मुख्य विवाद चीन के साथ है। अगर हम चीन के साथ इस विवाद की जड़ को देखते हैं तो उसमें सबसे मेन जो रीजन पड़ता है, वो भारत और चीन के बीच का मुख्य विवाद है अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र पर। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में यहां पर अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है तवांग, और उस तवांग में एक बहुत ही प्रसिद्ध मठ है। ये जो तवांग का मठ है, ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इस मठ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तिब्बती, भारतीय और बर्मा संस्कृति का तीनों का संगम देखा जाता है। इस जो बौद्ध मठ है, यह भारत और चीन के बीच शुरू से विवादित रहा, उसके बाद आज हम ये कह सकते हैं कि भारत और तिब्बत के बीच यह विवादित है। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहें तो हिस्ट्री में जाके हम देखेंगे कि 1912 तक अंग्रेजों ने, उससे पहले मुगलों ने, किसी ने भी इस अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया, और किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये जो क्षेत्र है, इसका बंटवारा किस प्रकार से हो, ये भारत के हिस्से में आएगा या फिर यह हिस्सा चीन के पास जाएगा या फिर यह हिस्सा तिब्बत के पास जाएगा। लेकिन उस समय इस क्षेत्र को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। इसका अर्थ यह है कि इसको नेफा कहा जाता था। 20 जनवरी 1972 को इस अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी जाती है। लेकिन हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, जो हम पर राज करते थे, ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि ये जो क्षेत्र है, ये कभी भी चीन के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस क्षेत्र के बारे में कभी भी कोई निश्चित सीमा तय नहीं की गई। अंग्रेजों की एक सोच थी कि इस क्षेत्र को चीनियों से बचा के रखना है। इसलिए 1914 में भारत, तिब्बत और चीन के बीच एक समझौता होता है, और इसे शिमला समझौता कहा जाता है। उस समय तिब्बत एक आजाद देश होता है। इस समझौते में
तवांग को भारत का हिस्सा माना जाता है और तिब्बत को यह बात स्वीकार करनी होती है कि तवांग जो है वो भारत का हिस्सा है, परंतु चीन इस चीज से नाराज था। लेकिन उस समय तिब्बत एक आजाद मुल्क था और आजाद मुल्क होने के नाते तिब्बत ने यह द्विपक्षीय समझौता किया भारत और तिब्बत के बीच में, क्योंकि चीन इससे नाराज हो गया, खफा हो गया और तिब्बत ने यह कहा कि तवांग जो है वो भारत का हिस्सा है। अब क्या होता है उसके बाद, यहाँ पर एक रेखा खींची जाती है, एक लाइन खींची जाती है और उस लाइन को कहा जाता है मैकमोहन लाइन। ये जो मैकमोहन लाइन है, ये उस समय जो ब्रिटिश इंडिया के सचिव थे जिन्हें हेनरी मैकमोहन के नाम से जाना जाता था, उनके नाम पर ये सीमा रेखा तय की जाती है। अब अगर हम आज की सिनेरियो को देखें, आज की परिस्थिति को देखें, तो उस समय तिब्बत और भारत के बीच जब ये समझौता होता है तो ये समझौता बिल्कुल सही है और तिब्बत आजाद मुल्क है, इसका मतलब इस सीमा पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन चीन की जो नजरें थी वो चीन की नजरें तिब्बत पे थी, और जब चीन तिब्बत पर आक्रमण करता है, जब चीन तिब्बत को हथिया लेता है, तो उसके पश्चात वह सबसे पहले जो नजर डालता है वह अरुणाचल प्रदेश पर डालता है और अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र पर डालता है। चीन इस क्षेत्र को हड़पना चाहता है और चीन ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत का ही हिस्सा है और तिब्बत का हिस्सा होने के नाते अरुणाचल प्रदेश को चीन के पास जाना चाहिए। इसके अलावा एक जगह भारत और चीन के बीच और विवादित है, और वह जो जगह विवादित है वह है अक्साई चिन के नाम से जानी जाती है। ये जो अक्साई चिन का क्षेत्र था, ये एक बंजर भूमि क्षेत्र था। ये बंजर भूमि क्षेत्र था इसलिए इस जगह पर कभी भी चीन ने, तिब्बत ने या फिर भारत ने कोई ध्यान नहीं दिया। 1846 तक केवल और केवल जब मैपिंग की जाती है तो काराकोरम पास और पेंगोंग शो के पास पास का जो क्षेत्र है उस इलाके को चित्रित किया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने इस हिस्से को कब्जे में लिया। जब ब्रिटिश सरकार इस हिस्से को कब्जे में लेती है तो उस समय कि चीन और तिब्बत में किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू क्रिएट नहीं किया जाता है, क्योंकि चीन और तिब्बत दोनों इस क्षेत्र को हड़पने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। 1865 के आसपास का जब समय आता है तो ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया ने अक्साई चीन की सीमा तय कर दी, और उस समय विलियम जॉनसन ने लद्दाख का मैप बनाया, लद्दाख की सर्वे शुरू की, और उसी समय लद्दाख का जब मैप बना तब गलवान घाटी के बारे में भी जिक्र किया गया, और गलवान घाटी का जो नाम है वो गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा है, जो वहां पर एक गाइड होते थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की एक बार मदद की थी जब वो किसी सर्वे के दौरान वहां पे गए हुए थे और वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। लद्दाख के नक्शे के हिसाब से यह बाउंड्री तय की जाती है और इस रेखा को कहा जाता है जॉनसन लाइन। जब जॉनसन लाइन इस रेखा को कहा गया है तो इस रेखा में अक्साई चिन का लगभग एक तिहाई हिस्सा भारत के पास है और लगभग बचा हुआ जो हिस्सा है वो दूसरी तरफ पड़ता है। जो एक तिहाई हिस्सा है उस हिस्से को ये माना जाता है कि ये हिस्सा है ये हमारे लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। ब्रिटिश सरकार ने इस हिस्से पर जब ये लाइन बनाई तो चीन से कोई भी अनुमति नहीं ली, ना चीन के साथ इस प्रकार का कोई विचार विमर्श किया गया। उसका कारण ये था कि उस समय शिनजियांग क्षेत्र पर बीजिंग का कब्जा नहीं था। अगर शिनजियांग क्षेत्र पर बीजिंग का कब्जा नहीं था तो यह चीज निश्चित थी कि चीन से परामर्श करना कोई उचित नहीं था। इसका मतलब यह है कि जब भारत ने अक्साई चिन के क्षेत्र में जब बाउंड्री तय की तो उस समय भी भारत सही था, जबकि चीन आज गलत है। 1878 आते आते और चीन शिनजियांग क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। 1892 जब समय आता है, 1892 का समय जब आता है तो उस समय चीन अक्साई चिन के क्षेत्र को चीन का हिस्सा बता देता है। इस चीज पर अंग्रेज सरकार चुप रही और अंग्रेज सरकार ने 1899 में जो उस समय चीन में किंग होते थे, किंग डायनेस्टी होती थी, उनके पास एक पत्र भेजा और उन्होंने कहा कि एक नई सीमा प्रस्ताव आप इसको मान सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि नई सीमा प्रस्ताव के नाम से एक पत्र भेजा गया, और वो जो नई सीमा प्रस्ताव के नाम से पत्र भेजा गया उसमें मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन का जिक्र किया गया, जिसमें अक्साई चीन का आधा हिस्सा भारत के पास रहना था और अक्साई चीन का आधा हिस्सा चीन के पास जाना था। क्योंकि अंग्रेजों का ये मानना था, अंग्रेज तर्कशील थे और उनका ये मानना था कि जिस प्रकार से प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाएं जो बनाते हैं, जो क्षेत्र बनाते हैं, वही अगर सीमाएं बना दी जाएं उससे बाउंड्री की जो डिफेंस लाइन होगी, जो रक्षा करनी होगी, वो ज्यादा आसान होगी, और इसी कारण से काराकोरम को एक बाउंड्री बनाया गया। लेकिन चीन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, और चीन ने जब इसका जवाब नहीं दिया तो अंग्रेज जॉनसन लाइन को ही अपना मेन बाउंड्री मानते रहे। अब उसके बाद 1947 आते आते और भारत देश आजाद हो जाता है। जब भारत आजाद होता है अब खेल शुरू होता है।
जब भारत आजाद होता है तो 1949 में भारत के आजाद होने के 2 वर्ष के पश्चात चीन में माओ त्से तुंग कब्जा कर लेता है। जब माओ त्से तुंग चीन में कब्जा करता है तो वह माओ त्से तुंग अपनी आक्रमणकारी नीतियों की वजह से सबसे पहले तिब्बत पर कब्जा करना चाहता है और उसने अक्टूबर 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया, क्योंकि चीन ये चीज मानता था कि जो तिब्बत का क्षेत्र है वहां पर हम पुराने समय से राज करते हुए आए हैं। अब मई 1951 में चीन का तिब्बत पर कब्जा हो जाता है। चीन के आक्रमण के बाद कुछ हिस्से तिब्बत के ऐसे होते हैं जो चीन में मिला दिए जाते हैं तथा तिब्बत का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो ऑटोनोमस स्टेट के रूप में माना जाता है। लेकिन जब ये आक्रमण होता है तो भारत इस आक्रमण से बहुत नाराज था, क्योंकि उस समय भारत और तिब्बत दोनों ही नए देश थे। अब दोनों ही नए देश थे तो चीन के हिस्से में जब तिब्बत का क्षेत्र चला जाता है तो उस समय तुरंत 1949 में चीन ने खुद को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि वन पार्टी कम्युनिस्ट नेशन में बदला था, और उसके कारण चीन और ताइवान के बीच एक जंग छिड़ी हुई थी कि असली चीन कौन है। और चीन के लिए ये बहुत जरूरी था कि उसका जो सबसे नजदीकी मुल्क है यानी कि भारत है वो इस बात को मान्यता दे कि असली चीन चीन ही है जबकि ताइवान नहीं है। अब यहां पर ये चीजें होते होते भारत उस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था और शीत युद्ध के इस दौर में भारत ने न्यूट्रल रहा, भारत ने किसी भी तरफ जाने का निर्णय नहीं लिया, जबकि पाकिस्तान उस समय जाकर और अमेरिका की गोद में बैठ चुका था। अब भारत ये सोचता है कि चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारे जाए, चीन के साथ अपनी नीतियों को आगे बढ़ाया जाए। और इन सब चीजों को देखते देखते 1953 में नेहरू जी, उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और झोउ इनलाई, इन दोनों की मुलाकात होती है और 1954 में एक पंचशील समझौता साइन किया जाता है। ये जो पंचशील समझौता साइन किया जाता है इससे चीन और भारत दोनों दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि ये जो दोनों नए मुल्क बने हैं ये इस विश्व की दौड़ में सबसे आगे जा सकते हैं और ये केवल आर्थिक और वाणिज्यिक आधार पर ही एक दूसरे के साथ साझा नहीं कर रहे हैं बल्कि ये दोनों देश एक दूसरे के साथ वैचारिक जो भावना है उस वैचारिक भावना के मिलने के कारण एक दूसरे के साथ आए हैं। तो दोनों देश पंचशील समझौते पर साइन करते हैं, जिस पंचशील समझौते में 5 बातों का जिक्र किया गया। एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना देना और आपसी लाभ व समानता व सहयोग का भाव रखना, किसी भी देश के अस्तित्व पर संकट पैदा नहीं करना। यहां पर भारत ने यह सोचा कि अगर हम चीन का यहाँ पर साथ देते हैं तो चीन का साथ देते हैं तो इससे हमारे जो रिश्ते हैं वो रिश्ते सुधरेंगे, और इसी कारण से भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। वहीं पर शुरू होता है हिंदी चीनी भाई भाई, और ये जब नारे लगने शुरू होते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, उसके कुछ समय के पश्चात यानी कि 1959 का जब समय आता है तो उस समय ल्हासा विद्रोह छिड़ जाता है। ल्हासा विद्रोह जो था, जो तिब्बत की राजधानी में चीन से मुक्त करवाने के लिए वहां के लोगों द्वारा किया गया विद्रोह था, यह एक तिब्बत के लोगों की नाकाम कोशिश थी। और जब ये ल्हासा विद्रोह छुड़ता है तो 14वें दलाई लामा भारत में आते हैं और भारत उनको शरण दे देता है। जब भारत 14वें दलाई लामा को शरण दे देता है तो इससे माओ त्से तुंग तिलमिला जाता है और वो भारत को एक खतरे के रूप में देखने लगता है, क्योंकि पंचशील समझौते में ये कहा गया था कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल दी जा रही है। लेकिन जो वास्तविक खेल था वो 2 साल पहले ही शुरू हो चुका था। 1959 से 2 साल पहले चीन विवादित क्षेत्रों को हड़पना चाहता था और चीन ये मैप भी जारी कर चुका था जिसमें उसने अक्साई चिन के क्षेत्र को, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को, इन क्षेत्रों में ये दिखाया था कि ये चीन का हिस्सा है। लेकिन जब दलाई लामा भारत आते हैं उस समय जो तत्कालीन सोवियत संघ के प्रमुख होते हैं निकिता खुश्चेव, वो भारत को समर्थन देते हैं और वो कहते हैं कि ये जो सारा झगड़ा है, ये जो सारा फिसाद है, इसका जिम्मेदार केवल और केवल माओ है। माओ को लगा कि ये जो सारा मामला हुआ है, ये जो विद्रोह हुआ है तिब्बत की तरफ से, इसकी जो साजिश है वो भारत में रची गई है। और इतना सुनते ही चीन अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस जाता है और 1959 में चीन ने जब इन दोनों नक्शों को, अक्साई चिन व तवांग के क्षेत्र को, जब अपने हिस्से में दिखाया है तो उससे नेहरू ने पहली बार इसकी बहुत कड़ी निंदा की। जब नेहरू इसकी निंदा करते हैं तो चीन इस चीज से तिलमिला जाता है और वो भारत को एक खतरे के रूप में देखना शुरू कर देता है। 1959 में ही झड़पें शुरू हो जाती हैं।
लेकिन 1961 में नेहरू फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाते हैं और नेहरू ये आदेश देते हैं कि भारतीय जो सेनाएं हैं वो भारतीय सेनाएं चीनी सेनाओं के साथ साथ जो बंकर बने हुए हैं वहां पर गश्त लगाएंगे, अपनी चौकियों की रक्षा करेंगे। और नेहरू ये भी कहते हैं कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए और अपनी चौकियों की सुरक्षा के लिए गोली भी चला सकते हैं और गोली चलाने का अधिकार दिया जाता है। इस समय अक्टूबर में झोउ इनलाई दिल्ली में थे और चीन युद्ध नहीं चाहता था, ऐसा कहना था झोउ इनलाई का। और उसी समय पीपल्स लिबरेशन आर्मी धीरे 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 सीमाओं पर जमा हो रही थी और 10 अक्टूबर 1962 को पहली बार लड़ाई होती है जिसमें 25 चीनी सैनिक मारे जाते हैं जबकि 33 भारतीय सैनिक मारे जाते हैं। 20 अक्टूबर 1962 को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत पर हमला कर दिया और ये हमला दो तरफा था, यानी कि अक्साई चिन पर भी और तवांग पर भी। और उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में रेजांगला को जबकि पूर्वी क्षेत्र में उन्होंने तवांग को, दोनों जगह पर चीन का कब्जा हो जाता है और चीनी सेनाएं भारतीय सेनाओं पर बहुत भारी पड़ती है। 24 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में चीन 16 किलोमीटर अंदर तक घुस जाता है। झोउ इनलाई उस समय कुछ सौदेबाजी करना चाहते हैं और इसलिए झोउ इनलाई उस समय सेनाओं को वहीं पर स्टैंड स्टिल होने के लिए कह देते हैं और वो सौदेबाजी इस प्रकार से करना चाहते हैं, वो शांति प्रस्ताव भेजते हैं और उसमें लिखते हैं कि सीमा रेखा का पुनर्गठन किया जाए, आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 20 किलोमीटर पीछे हटे, चीन अरुणाचल प्रदेश से वापिस चला जाएगा और अक्साई चीन चीन के पास रहने दिया जाए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इन मांगों को सिरे से अस्वीकार कर देते हैं और वो एक बफर जोन की मांग करते हैं। लेकिन जब बफर जोन की अपील करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू तो उस समय चीन फिर तिलमिला जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दरमियान 19 नवंबर को नेहरू जॉन एफ कैनेडी, उस समय के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनको दो पत्र लिखते हैं। इन पत्रों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इनका बहुत समय तक ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं मिला था और बाद में ये भी कहा गया कि केवल उन्होंने एक पत्र लिखा था जबकि वास्तविकता ये थी, बाद में इसको पब्लिकली भी किया गया कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दो पत्र लिखे थे। उन्होंने पहले पत्र में लिखा कि चीनियों ने नेफा पर कब्जा कर लिया है और लद्दाख में चुसाल पर भी कब्जा करना चाहते हैं तो यातायात व युद्धक विमान की आवश्यकता है। और उसके बाद दूसरा पत्र लिखते हैं जिसमें नेहरू लिखते हैं कि पहला पत्र लिखने के बाद जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी पर खतरा है और अगर धीरे से जल्दी से ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत जल्दी चीन पूरे नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में जिसमें असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इस क्षेत्र पर बहुत जल्दी चीन कब्जा कर लेगा। और उस समय के जो राजदूत होते हैं गलब्रेथ, उन्होंने मिस्टर प्रेसिडेंट को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि हथियारों की खेप वे 12 C-130 विमान जल्दी से भेजिए और 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कीजिए। और जो मिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं जॉन एफ कैनेडी, वो गिलबर्थ की बात मानते हैं और होनोलुलू मुख्यालय जो कि पैसिफिक फ्लीट है वहां से 7वें बेड़े को तुरंत भेजा गया। और दूसरी ओर से ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स जो थी उसने भी भारत की सहायता करनी शुरू कर दी। जब इतनी चीजें देखता है चीन तो भारत, चीन समझता है कि भारत के साथ अमेरिका और ब्रिटेन भी इस युद्ध में जुड़े हुए हैं। और इतना देखते ही चीन 20 नवंबर को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर देता है और चीन कहता है, ऑफिशियली स्टेटमेंट देता है कि 7 नवंबर 1959 को जो LAC थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी, वहां से 20 किलोमीटर पीछे ये सेनाएं चली जाएंगी। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक महीने तक ये जो युद्ध चला इसमें 1383 भारतीय सैनिक मारे गए, 722 चीनी सैनिक मारे गए तथा 4000 भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया गया। और वास्तव में चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र पर वास्तविक नियंत्रण बरकरार रखा परंतु अरुणाचल प्रदेश में वह तवांग क्षेत्र से पीछे हट गया। इसका मतलब यह है कि चीन इस युद्ध को जीत कर भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र को छोड़कर चला गया। अब बात यह है कि उस समय जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में भारत की हार के मुख्य कारण क्या थे? अगर हम भारत की हार के मुख्य कारणों की बात करते हैं तो सबसे पहला कारण यह है कि भारत उस समय युद्ध के लिए तैयार था। दूसरे कारण की अगर हम बात करते हैं तो भारत सैनिकों के पास इतना अनुभव नहीं था जितना चीनी सैनिकों के पास अनुभव था। और तीसरी बात यह है कि इस अनुभव की जो कमी रही वो ये रही कि 1937 से 1945 तक चीन की मुख्य भूमि व बर्मा में चीनी सेना लड़ चुकी थी, इसलिए उन्हें युद्ध का काफी तजुर्बा था। दूसरी बात, 1950 से 53 के बीच 38वीं समांतर रेखा से उत्तर कोरिया से अमेरिका को भी चीनी सैनिकों ने खदेड़ा था। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब कारणों को देखते हुए भारत इस युद्ध को हार जाता है।
इससे पहले भी भारत ने युद्ध लड़े, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो चीन के साथ हो। अगर हम ये देखते हैं कि 1962 का जो युद्ध था, केवल ये एकमात्र ऐसा युद्ध रहा इतिहास में जिस युद्ध में भारत को अपने पड़ोसी मुल्क से और हार का सामना करना। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए, आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे हम जुड़े रहेंगे आपके साथ। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होना चाहिए, वो क्या टॉपिक होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।